महापौर निर्मल कोसरी ने ग्रामीण वार्डों में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड 40 गनियारी, वार्ड 39 मोरिद और वार्ड 38 सोमनी का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ सदस्य संबंधित वार्ड पार्षद निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। महापौर ने काम शुरू नहीं करने वाले ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर निरस्त करने की चेतावनी भी दी है। महापौर निर्मल कोसरे ने सबसे पहले अपने गृह वार्ड गनियारी में 8 लाख रुपए की लागत से होने वाले सीसी रोड व आरसीसी नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इसके बाद बंधवा तालाब में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण कर ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास व नाली निर्माण में चल रहे कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का उन्होंने अवलोकन किया। कुछ ठेकेदारों ने काम शुरू नहीं किया है, ऐसे में ठेकेदारों को सोमवार तक काम शुरू नहीं करने पर वर्क ऑर्डर निरस्त करने की चेतावनी भी उन्होंने दी। महापौर ने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश अधिकारियों को दिया। वहीं ठेकेदारों के लंबित भुगतान का शीघ्र निराकरण करने को कहा। इस दौरान उन्हें पता चला कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सक की ड्यूटी दूसरी जगह पर ली जा रही है। इस पर उन्होंने फोन पर चर्चा कर चिकित्सक की सेवाएं गनियारी में उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। वार्ड 39 मोरिद में महापौर निर्मल कोसरे ने तालाब पचरीकरण, सड़क नाली व प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर ग्रामीणों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान महापौर ने मॉडल टॉयलेट बनाने के लिए भी स्थल का निरीक्षण किया। वार्ड 38 सोमनी में चल रहे नाली एवं प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य की प्रगति देखने के बाद महापौर ने शासकीय स्कूल में अतिरिक्त कक्ष एवं मॉडल टॉयलेट निर्माण के लिए स्थल का अवलोकन किया। साथ ही साथ छात्र छात्राओं के मध्याह्न भोजन व्यवस्थाओं को भी उन्होंने देखा और परखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोमनी के मिनी स्टेडियम को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने निगम के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देश दिया। वार्ड नंबर 40 जो मेरा खुद का वार्ड है गनियारी, वार्ड नंबर 39 और वार्ड नंबर 38 सोमनी का हम लोगों ने, मैंने और मेरी परिषद ने कल दौरा किया। हमारे निगम के इंजीनियर, हमारे निगम के अधिकारी कर्मचारी और ठेकेदार हमारे साथ मौजूद थे। जो अवैध कब्जे हुए हैं जिसके वजह से नाली का निर्माण होना बाधित हो रहा था, और हम लोगों ने 3 तारीख को मैंने अपना कार्यकाल संभाला और संभालने के बाद से जितने भूमि पूजन हम लोगों ने किए थे उनकी क्या स्थिति है, क्या प्रगति है और काम में क्या गुणवत्ता बना रहे हैं, इसका हम लोगों ने निरीक्षण किया। जब मैं गनियारी में दौरा किया तो लगातार गाँव वालों की शिकायत ये आ रही थी कि नाली के ऊपर अपना घर बना लिए हैं या चौरा बढ़ा के रख दिए हैं जिसके वजह से, या कोई तो सुलभ शौचालय बना दिए थे। इसको मैंने तत्काल तोड़ने का निर्देश दिया है और उसमें कार्रवाई भी हो गया। पहले से इसमें नाली निर्माण इसलिए नहीं हो पा रहा था कि सब लोग जगह को बढ़ा दिए थे जिसके वजह से नाली निर्माण नहीं हो पा रहा था और गंदगी जो है घर के सामने से उस गलियों से गुजरना पड़ता था। मैंने दिखवाया उसको और आज की स्थिति में यदि आप जाके देखेंगे तो वहाँ नाली का निर्माण भी हो रहा है और सीसी रोड भी बन रहा है। वही स्थिति सोमनी में मैं जब गया तो सोमनी में भी जो स्कूल के अंदर हम लोगों ने निरीक्षण किया, जो रोड बन रहे हैं, नाली बन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे पब्लिक को, भिलाई चरौदा के रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके, इसी उद्देश्य के साथ कार्य की प्रगति और पूर्णता की स्थिति को जानने के लिए हम लोगों ने दौरा किया था और ये सतत जारी रहेगा। जो भी अतिक्रमण है उसमें मैं किसी भी प्रकार के कंप्रोमाइज नहीं करूँगा। अतिक्रमण को तत्काल ढहाने का मैंने निर्देश दिया और मंडे तक स्थिति आपको और क्लियर मिल जाएगी। महापौर के तीनों वार्डों के दौरे में एमआईसी सदस्य सहित तीनों वार्ड के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।